Hello friends, this is Suman before you and welcome back to my channel, The Learning Point of Spoken Academy. Friends, in this video, I am going to teach you one advanced level structure which will help you to improve your English very soon. So friends, without wasting any more time, we should start the video. तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो बना रखी है जो कि आपकी अंग्रेजी को बेहतर से बेहतरीन बना देगी। अगर उस वीडियो को देख लिया आप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे रखा हूँ, आप जल्दी से जाइए वहाँ क्लिक कीजिए और अपनी अंग्रेजी को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। तो फ्रेंड्स चलिए बॉटम लाइन की बात करते हैं। फ्रेंड्स बोल चाल की दुनिया में अक्सर ऐसा हम बोलते हैं, वह मन ही मन मुस्कुरा रहा है, वह मन ही मन आपको साथ दे रहा है, वह मन ही मन लोगों का भला सोचता है, वह मन ही मन आपके लिए दुआ मांगता है। तो फ्रेंड्स ये चारों जो हिंदी के सेंटेंसेस देख रहे हैं उसमें एक फ्रेज बहुत शानदार आ रहा है, मन ही मन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इनवर्डली कहने का मतलब होता है मन ही मन। तो फ्रेंड्स चलिए अब इससे समझते हैं कि सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स आप अपनी नोटबुक निकालिए और स्ट्रक्चर को नोट कीजिए ताकि आप सहजता से लिख सके, समझ सके और उसको यूज भी कर सके। तो फ्रेंड्स पहले स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। स्ट्रक्चर रहेगा सेंटेंस प्लस इनवर्डली। सेंटेंस कहने का अर्थ मेरा यहाँ पर यह हो रहा है कि जिस टेंस का सेंटेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमको चेंज करना है, ठीक है, और लास्ट में क्या लगा देना है, इनवर्डली। तो इसको एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सेंटेंस प्लस इनवर्डली लिखिएगा। इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल जब कभी हमें ऐसा कहना हो कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य के बारे में मन ही मन सोच रहा, इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है अंदर ही अंदर, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अभी से कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं ताकि और सहजता से आप इसका यूज कर सकते हैं और समझ सकें। चलिए नंबर वन एग्जाम्पल है हमारा, वह मन ही मन मुस्कुरा रहा है, मतलब वो पूरी तरह से खुल के बात को नहीं रख रहा लेकिन एक चेहरे पे ऐसे स्माइल है, मतलब मन ही मन मुस्कुरा रहा है। इस कहने का मतलब पूरी तरह से खुल के नहीं लेकिन अंदर ही अंदर वो मुस्कुरा रहा है। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहले सेंटेंस डालना है फिर हमें इनवर्डली को अंत में लगाना है। ही इज स्माइलिंग इनवर्डली। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर वन जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। सेकेंड एग्जाम्पल, वह मन ही मन आपके बारे में सोचता है, वह मन ही मन आपके बारे में सोचता है। आप देखिए यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या प्रेजेंट इंडिफिनिट आप इसे कह सकते हो कि वह मन ही मन आपके बारे में सोचता है। तो अब इसको टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ही थिंक्स अबाउट यू इनवर्डली, कि वह मन ही मन आपके बारे में सोचता है। मैं फिर से इसे रिपीट कर देना चाहूंगा, ही थिंक्स अबाउट यू इनवर्डली, कि वह मन ही मन आपके बारे में सोचता है। वे लोग मन ही मन आपकी बुराइयां करते हैं, वे लोग मन ही मन आपकी बुराइयां करते हैं। अब देखिए ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। चलिए अब इसको बनाते हैं, दे डिसअप्रिशिएट अबाउट यू इनवर्डली, वो मन ही मन आपकी बुराइयां करते हैं। देखिए मैं मन ही मन आपका ध्यान रखता हूँ। I take care of you inwardly। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि बहुत शानदार होने वाला है। हम लोग मन ही मन जिंदगी से सबक सीखते हैं। We take lesson from life inwardly। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी एग्जाम्पल समझ में आ गए। फ्रेंड्स अब जो हमारा एग्जाम्पल होने वाला है वो सबसे लास्ट और बहुत ही बेहतरीन, बहुत लाजवाब है। इसके यूसेज से आप अंग्रेजी को बहुत बेहतरीन बनाते हो। चलिए लास्ट एग्जाम्पल हम लोग का, मैं मन ही मन अपने बारे में सोचता हूँ। I think about myself inwardly। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे जो एग्जांपल्स मैंने बताया आपको सहजता से आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया, इंफॉर्मेटिव लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।